सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यारे बेवफा, अब तक हम देख चुके हैं कि आमना जैद के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है, लेकिन इसकी मुश्किलात कम नहीं हुई क्योंकि वो अकेली रहती है और मोहल्ले के लड़के इसको आते जाते छेड़ते हैं, जिस पर वो बहुत दुखी होती है। आगे हम देखेंगे कि आमना लोगों के सलूक से तंग आकर अपनी माँ के घर चली जाएगी और वहाँ जाकर रहना शुरू कर देगी। इसकी माँ भी ज्यादा देर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और इसकी शादी के लिए लड़का तलाश करना शुरू हो जाएंगी। वो एक लड़का पसंद भी कर लेंगी, लेकिन आमना शादी करने से इनकार कर देगी। दूसरी तरफ जैद आमना को इसकी शादी के लिए मुबारकबाद देगा, लेकिन आमना इसको बताएगी कि आपने गलत सुना है क्योंकि मैंने शादी से इनकार कर दिया है। जैद ये सुनकर नापसंदीदगी का इजहार करेगा और इसको कहेगा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि यही आपके लिए बेहतर हल है। लेकिन आमना कहेगी, ये मेरा मसला है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसके इस फैसले से इसकी माँ भी आमना के खिलाफ हो जाएगी और इसको कहेगी, अगर तुमने शादी के लिए इनकार किया तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। दूसरी तरफ जैद की माँ ने फिजा और अहमद को वापस लेकर आने की जिद लगा रखी है। क्या जैद फिजा और अहमद को वापस ले आएगा? क्या आमना शादी के लिए तैयार हो जाएगी? अगर आमना शादी के लिए ना मानी तो क्या जैद आमना को अपने घर ले जाएगा? ड्रामे में आगे क्या होगा, जानने के लिए देखते रहें पाकिस्तानी ड्रामा टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब।